सज्जन साहिबानों के सामने रामा कैसेट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भाइयों के सामने कैसेट पेश है और कैसेट का नंबर है असली 107। पहली रागिणी किस वक्त की कि जिस वक्त फूल सिंह अपनी भाव से लड़के और अपने भाई भूप सिंह तई जा है शिकायत करण, तो सुनकर भूप सिंह अपने भाई की शिकायत वापस लेके अपने भाई ने अपनी बहू धोरा आया और गुस्से में आके अपनी बहू तई के कहन लग गया और उसने के सवाल जवाब करे हुए उनके भला। अरे तू क्यों नाटी थी नीर ने, मैं जांगी अपने पीहर ने, तू क्यों नाटी थी नीर ने, अपने पीहरन नहीं ठहरना चाहती सजी है तू भी नारया, तू क्यों नटी थी नीरन, मैं जाएंगी अपने पीहरन नहीं ठहरना चाहती सजी तू भी ना रहा, क्यों नाटी थी नीर ने, मैं जाएगी अपने पीहर में नहीं देना चाहती सदी तू भी ना रहा। मेरे सर पे आने चढ़े, अरे आज तेरा सर काटूंगा छो गात में बढ़िया, जगर में बोल तेरा या बदन मिका डोल तेरा, गजा मेरे जगर में बोल तेरा या बदन मिका डोल तेरा, रह बाज का जरूर हूर काजी फंदे में फरा, तेरा तू भी ना रहा।
தங்கத்தான அரையப்பிடிட்டாங்க ஓகாடி ஓத்த அப்ப சரமானா ஓஜா அப்படிட்டாங்க ஓகாடி ஓத்த அப்ப சரமானா ஓஜா தன் காணா ஓஜா கம் பியாரி ஜாரீ தானா ஹோ கம் பியாரிக்கம் ஜாரீ நாட்டூ தோ தக்கார மாரே கரணா தயா मेरा तो बिना रहा क्यों नटी थी नीर मर जाएगी अपने पियर में नहीं ठहरना साथी साथी मेरा तो बिना ना मेरी जान की अरे करी आपस में मेल परी क्यों बांधन लागी पैरी ओ मारे पिता धमका वे मेरी जान की खैर अरे करी आपस में मेल परी क्यों बंधन लागी पैर तन घेर क्यों मन में जान लिया लगी बाढ़ खेतन खान पिया तन घेर क्यों मन में जान लिया लगी बाढ़ खेतन खान पिया मारो किस तरिया घर बसे खसे दुख है जाता ना सया जो नाटी थी नीर में जाएगी अब ये पियर में नहीं ठहरना चाहती साथी तो बिना रहा मेरा तो भी नार बतावे काम के तू धार सबर संतोष भजन करे हर के नाम के ओ बड़ी बबी ने छोटा देवर बतावे काम के तू धार सबर संतोष भजन करे अरे के नाम के पंडित तो ले राम के छंद प्यारे गांव में मिलके
हम सारे पंडित बोले राम के छंद न्यारे ओ गाँव मिलके हम सारे साथ जंदे करें खो बात साथ में है म्यूजिक हो नया तू क्यों नाटी थी नीर ने तू जाएंगी अपने पियर ने गाड़ नहीं ठहरना साथी साथी मेरा तो भी ना रहा और ईब रागिणी उस वक्त की कि जिस वक्त फूल सिंह जनाना बनके नौटंकी के महल में गया और वो नौटंकी ने लेकर दोनों के दोनों वो जनाने भेष में था नौटंकी के साथ बाग में घूमने के लिए चल दिए जहां पर एक तालाबी था और उसके ऊपर एक पीर की मजार भी थी। तो फूल सिंह जनाने भेष में था वो कहने लग गया कि मारे मत कोई सा एक मर्द बन जा तो के करे तो नौटंकी कहने लगी कि मैं पीर पर भेली चढ़ाऊं। तो यहां पे फूल सिंह के कहने लग गया भला अरुण के आपस में के सवाल जवाब है फूल सिंह के नौटंकी डाने तने कित की भेली बोली डाने तने कित की भेली बोली शरीर का ब्योत बिगड़ता आवे ब्योत बिगड़ता आवे ने भेस मत थाए और पीर की बेली बलवा के नौ टंकी तई न्यू बोलिया के मेरे ते शरीर में के मैं मर्दान्य पुणी है की शरण शरण सी लागी होने और के कहन लग गया भला मैं के गड़प पे सदा छोरा से रसता चलना ना ठीक कोरा से मैं के थारा सरोवर पीर बोरा से थारा सरोवर पीर बोरा से वीरा के मर्द बनावे ज्योत बिगड़ता आवे हंस के बरम खोलिया हम काटेंगे जिस बोलिया ने हंस हंस के बरम खोलिया मरदा आला ब्योत होलिया मरदा आला ब्योत होलिया
मा कपड़े तार बगावे जोत बगड़तावे रने किटकी बेली बोली रने किटकी बेली बोली शरीर का जोत बगड़तावे जोत बगड़तावे। जब कपड़े तारण की बात नौटंकी ने कही तो जना ने भेष में फूल सिंह की कर लग्या भला प्यारा बन के नहीं दगा दू तू सोवे ते आप जगा दू प्यारा बन के नहीं दगा दू तू सोवे ते परी कपड़े तार बगाजू कैसे कपड़े तार बगाजू मने ते शरम तेरे तयावे ज्योत बिगड़ता आवे गीत की बेली बोली गीत की बेली बोली शरीर का जोत बिगड़ता आवे जोत बिगड़ता आवे यो पीरा का नहीं का से गया बेली के पलट नाम से यो पीरा का नहीं काम से गया बेली के पलट नाम से जले तू असली मर्द जाम से तू असली मर्द जाम से दोष लगावे जोत बिगड़तावे तने गीत की बेली बोली गीत की बेली बोली जोत बिगड़तावे जोत बिगड़तावे। बात सुनी नौटंकी की कुछ डर सी गया पर ढेट बांध के फूल सिंह के बोलिया भला क्यों कर बोझ उतर जा सिर का मैं पक्षी बनिया बिन पर का क्यों कर बोझ उतर जा सिर का मैं पक्षी बनिया बिन पर का सरोवर पीर थारे घर का सरोवर पीर थारे घर का कौन पे का नाश करावे जोत बिगड़ता आवे गीत की बेली बोली तने गीत की बेली बोली शरीर का जोत डंक चढ़ा ढोल के लेगा जगर छोल के क्यों डंक चढ़ा ढोल के लेगा जगर छोल के जले तू मीठा बोल बोल के
मीठा बोल बोल के खड़ा क्यों मुन टरकावे क्यों तबड़ता अच्छा के बात कही एक मुंह न टरकाओ से और मुंडे थोबड़े न करे दूर खड़िया खड़िया कदे क्यों करे मुंह न बनान लाग रहा कदे क्यों करे मुंह न बनान लाग रहा जब मेरा मुंह मत बनाऊंगा मेरा जी करे जू करे तू क्यों चली न मेरे बगे मेरे लखे को और बुंडा बना ले इससे भी टरकाऊंगा मेरा मुंह से ओए लक्ष्मी चंद न्यू की न्यू से तू इसी ऊत घर की क्यों से लक्ष्मी चंद की न्यू से तू इसे ऊत घर की क्यों से टरकाऊंगा मेरा मुंह से टरकाऊंगा मेरा मुंह से भला तू क्यों नाख चढ़ावे और ये बेक रागिणी उस भगत की के जिस वक्त रोजाना राजा हरिश्चंद्र वरना नदी पे थे घड़ा लिया करता पानी का लेकिन उसने 26-27 दिन खाए हो गए थे शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था ताकत नहीं रही थी शरीर में घड़ा ठावण की तो इतने में कौन के मदनावत रानी आ जाती है पहचान लेता है हरिश्चंद्र उसको तो इस वक्त उनके आपस में के सवाल जवाब हो है भला अरे एक पैराणी घड़ा थवा दे जाता कोना ठाया क्यों करे घड़ा हवाऊं पिया जी बैठ जागी मेरी काया अरे एक महारानी घड़ा थवा दे जाता कौन आया क्यों करे घड़ा हवाऊं पिया जी बैठ जाएगी मेरी काया एक बरानी करे दवादे संता को ना थाया चुप करे दवादी आजी बैठ जाएगी मेरी काया चुप करे गड़ा जागा तेरा वो तेरे घड़े के हाथ लानत धर्म घट समेरा
ओए धर्म करम के नेमा का मन पाटा को ना बेरा तू बंगी का अनोकर से मेरा ब्राह्मण के घर डेरा तू बंगी के नौकर से मेरा ब्राह्मण के घर डेरा एक जगह रहे राम रतन यो किसने काम बताया लत्या के लत्ते न लाए जातन अनबंगी का खाया तने बताऊ बेसकत अजमाले ओए कौन सी विधि तू मने बतावे वो भी ब्रह्म मिटाले ओ जल में गोता हमारे पिया जी नीची नाड़े झोकाले कलम गोता हमारे पिया जी नीति नोकाली जल में गोता मारने का तन जल में गोता मारने का तन तने ठीक कह जतन बताया ओ और तले सीने है वो के ठाले क्यों इतना दुख पाया सवाल जवाब आपस में मदनावत की और राजा हरिश्चंद्र के हो रहे रोष भी उस वक्त पूरा दोनों तरफ से और किस तरह से बात चलती होना हाथ धो लिए पैर धो लिए और नाली जल मैं ब्राह्मण के रहूं पिया तेरे
आई नहीं अकल में। ओए वक्त पड़े पे धोखा दे दिया फर्क आलिया दिल में। ओ उस मानस का है के कर ले दो आंख बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले दो आंख बदल जा पल में। अरे समय समय का मोल बावली, समय समय का मोल बावली, या डलती फिरती छाया। ओ कहे सुने की अन्ना मानी तन राजपाट ठोकराया। पर सज्जन साहिबानों के सामने एक बात जरूर बता दें कि कोई भाई नू सोच रहा होगा कि भाई इस भगत क्यों नहीं राजा हरिश्चंद्रो घड़ा ठवाया। बात ऐसी नहीं है, लेकिन बात है धर्म की, कि दोनों के दोनों अपने धर्म के ऊपर डटे हुए हैं। और क्या बात हुई आखिर में भला, ओए सत का बंधन, ओए सत का बंधन, जीव के जुम्मे जन्म लिए तय हो जा। ओ सोच समझ मेरे साजन तू सुकर्म का फल बो जा। जो नहीं अगत की बात बेचारे वो राम कटे बो जा। मानस का है के कर ले दो वक्त पड़े पसो जा। उस मानस का है के कर ले दो वक्त पड़े पसो जा। ओए गुरु मान सिंह दुख विपता का कितना के समय बताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। और अब एक रागिणी भाइयों के सामने चंद्रकिरण के किस्से थे कि जिस वक्त उस बुढ़िया पे थे लेके फोटो चंद्रकिरण का, राजा मदन सेन पागल सा हो गया अपने महल में पहुंचा। उड़ जाए पाछे कुछ पागल सी हालत देखी उसकी रानी ने, तो कहन लगी के तू के कागज हाले रहा हाथ में, इसने लेके पागल रहा हो रहा, तो के सवाल जवाब होने लगे राजा मदन सेन और उसकी रानी के भला। ओ कागज गेल्या शर्मा रे क्यों,
अकल बिगड़ गई तेरी। अरे कागज मतन्या कई ए रानी या जी मुट्ठी मलेरी। ओ कागज के नसर मारे क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। कागज मतन्या कई ए रानी या जी मुट्ठी मलेरी। कागज गेला शरमार क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। कागज मतन्या कई ए रानी या जी मुट्ठी मलेरी। वो कित का इश्क कमावेगा कित बन आई मर जागा। किसके नाते मर जाते मेरा सारा पेट भर जागा। मैं अपने घर चली छोड़ दे गरे जागा। अरे बेशक पिहरी चली जाइए मने तेरे बिन सरी जागा। मने तेरे बिन सरी जागा। ओ केले की जुचर जागा केले की जुचर जागा या काट्या की बड़ बेरी। इन काटे मतन्या कई ऐसे फूला की ओटेरी। कागज के नसर मारे क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। कागज मतन्या कई ए रानी मेरा जी मुट्ठी मलेरी। तेरा बदमाश तेरा बदमाश में हो नाम दर्द या के तू के दुनिया दारी। अरे दुनिया के मेरे सहारा लाजे मर्ज बैठगी भारी। ओ तंदा सिद्धरे घर में नारी मरद मेट दे सारी। ओए तेरे बस की बात नहीं कंचन पुरकट बीमारी। कंचन पुरकट बीमारी। ओ चंद करण तन लागे प्यारी। चंद करण तन लागे प्यारी। वातन वातम लेरी। तेरी सारी शर्ते मंजूर करी तू इब क्यों रुके तेरी। ओ कागज के नसर मारे क्यों अकल बिगड़ गई। Thank you.
जब रानी वो सबल वो राजी धीरा बंदा से ये चीज पराई ना होती मन क्यों बेकूफ भकावे से उच्च कोरत भटक के मर जागा पर नहीं चांदनी त्यावे से और पंचवटी में सीता रुकरी यो बण के रावण ठावे से बण के रावण ठावे से उड़ पैरी दार खड़ा पावे से पैरी दार खड़ा पावे से तेरी जई सियात में गेरी अरे जागू ते लागू बाज बताया से याद मेरे हथ फेरी ओ कागज के एक बात बताऊं वा और बता कौन सी तू इस फोटो ना कागज बताओ से हाँ इसमें जो कागज में तस्वीर से ना यो मेरे दिल की प्यारी अच्छा तू तो इस आगे बड़ी बड़ी जच्चा से हूँ एक बात बताऊं तो ना दगे बिरानी देख के हाँ काम गमन नहीं ललचा करता पूरा अपने घर तक पहचा करे ना नहीं ना पहचा करता सुना सुन ले ओ देख पराई ओ देख पराई चौपड़ी तू मतना जी ललचाइए जिन दोनों टेम मिले चौपड़ी ना रुखी खानी चाहिए कह प्रभु दयाल आसन आला मतना लहू चलाइए मेरे क्या है चीज का काटा कोना तू बैठी मौज उड़ाइए बैठी मौज उड़ाइए ओ कंचन पर तू मत ना जाइए कंचन पर तू मत ना जाइए तेरे पाया में चूंदड़ी गेरी देखे चंद किरण बहू के आगे तू लागे बड़ी बडेरी और अब एक और रागिनी चंद्रकिरण के ही किस्से से कि जिस वक्त राजा मदन सेन को कैद से छुटवा के उसकी पहली रानी चंद्र प्रभा और ड्योड़ा लेकर चंद्रकिरण का चल देते हैं रास्ते में चलते चलते रात हो जाती है तो आराम करने के लिए पड़ाव डाल देते हैं। अब रानी चंद्र प्रभा कहती है कि पहले आप दोनों आराम कर लीजिए मैं रात को पहरा दूंगी और आधी रात के बाद आप दे देना। तो दोनों राजा और चंद्रकिरण अपने स्थान पर सो जाते हैं और जब रात के 12 बजे के बाद उठते हैं तो रानी चंद्र प्रभा लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती हैं। चंद्र प्रभा के सोने के बाद रानी चंद्रकिरण कहने लगी राजा मदन सेन को कि महाराज आपने एक काम करना पड़ेगा और वो के आपस में के सवाल जवाब हुए भला के कहा चंद्रकिरण ने ओ एक मर्द संग दो
बिराकी मुश्किल यारी लगे दोनवा मत एक राखले जुन सी प्यारी लागे एक मर्द संग दो पीरा की मुश्किल यारी लागे दोनवा मत एक राखले जुन सी प्यारी लागे तने एक बात बता दूं। बताओ कि हम तो जागे से दोनों और यो एक के लिए और जात सोन लागरी और दूसरे इसने इतना अच्छा कार्य किया और बोल की भी इतनी मीठी से और तू नहीं कहे इसका सिर काट दे। ये तो काम आपने करना पड़ेगा। मेरी बात सुन पहले। वो एक के चाले की बात बड़ी से के चाले हम दो ठहरिया एक जनी से बोल की मीठी बहुत घनी से बोल की बहुत घनी से तने बता क्यों खारी लागे सुनवा मत एक राख ले सुनसी प्यारी लागे एक मर्द संग दो पीरा की मुश्किल यारी लागे दोनवा मत एक राख ले सुनसी प्यारी लागे मने नहीं गर देगी रहने दे मने नहीं गर देगी दड़ते शीस दूर दर देगी मेरी रे रे माटी कर देगी रे रे माटी कर देगी जुनसी तने बेचारी लागे दोनवा मत एक राख ले जुनसी प्यारी लागे यारी लागे दोनवा मत एक राख ले सुनसी प्यारी लागे मत की से बात कतड़ी का मत से बात कतड़ी का यो केड़ा से मीठी घड़ी तने दिखे से खेत करड़ का
में दिखे से केत करण का मन या के सर क्याई लागे दोनों मत एक राके ले तुलसी प्यारी लागे सब दुख हो जा हो जिंदगी बरका सुख हो जा जिंदगी बरका सुख हो जा फिर बसन की तैयारी लागे दोनवा में एक राख ले तुलसी प्यारी लागे गले तुलसी प्यारी लागे ओए मुश्किल हुई जाल डाटू पे मुश्किल हुई तू ना ठहरे जे ना टूटे ब्याही का सिर कटूते ब्याही का सिर कटूते कार जगत मनारी लागे एक राग ले तुलसी प्यारी लागे एक मर्द संग दो राखी मुश्किल यारी लागे दोनवा मत एक राग ले तुलसी प्यारी लागे ओ मेरे पे सानी करे खेत में खुद चरन जिस जाने से आप करन जिस जाने से आप करन तुलसी बात व्यवहारी लागे दोनवा मत एक राख ले तुलसी प्यारी लागे एक मर्द संग दो लागी मुश्किल यारी लागे दोनवा मत एक राख ले तुलसी प्यारी लागे एक बात बता दूं बता
कि जब तेरे बारे में कैद में पिड़ाड़ आन गए न, तू पता भी लेन नहीं आई ठीक के भूखा मरे देखते साया और मैंने फांसी में भी चढ़ाए दे हैं डाउन चढ़ाए दे। ये जो सोरी से इसे की जात के ने छेड़े थे फांसी पे चढ़ाऊंगे कि ना चढ़ाऊंगा। हां छेड़न वाला ही तो रोना से ना। और इसने देखे ने अपना राजपाट त्याग के और तन ने भी ब्याह आ यार तू इन्हें कैसे इसका सिर काट। इसका तो सर काटना पड़ेगा। अच्छा? मेरी बात सुने। देखिये दो घोड़िया पर सवार करने वाला टांग पाट जाग रहे। अच्छा एक घोड़ी पर सवार करे वो सवार ठीक होया पर देखिए इस बात ने भी ध्यान से सुन लिए। हाँ सुना देखिए भाई। ओए लक्ष्मी ओए लक्ष्मी चंद काम से खोटा लक्ष्मी जुल्म हो मोटा तेरे बारे में दुख होता तेरे बारे में दुख होता इब किस ढाल कटारी लागे दोनवा मत एक राख ले चुनसी प्यारी लागे मुश्किल यारी लागे दोनवा मत एक राख ले तुलसी प्यारी लागे। और अब एक बहुत ही अच्छी रागिणी किस्सा है पूर्णमल भगत कि जिस वक्त अपनी मां के दर्शनों के लिए गया पूर्णमल अपनी मौसी नूणादेव के पास देखते हैं नूणादेव पूर्णमल के चेहरे ने उस पर मोहित हो जाती है और आपस में किस किस्म के सवाल जवाब क्या कहती है नूणादेव उसके ऊपर मोहित हो गए और बेचारा पूर्णमल के कहे उसने भला ओ आजा पूरण बैठ पलंग पे कया मान ले मेरा हो मत ना जुल्म करे मत तारी मैं बालक सूरी तेरा ओ आजा पूरण बैठ पलंग पे कया मान ले मेरा हो मत ना जुल्मी करे मत तारी मैं बालक सू तेरा आजा पूरन बैठ पलंग पे कया मान ले मेरा हो मत ना जुल्मी करे मत तारी मैं बालक सू पूर्णमल ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़ के अपनी मौसी के सामने खड़ा हो गया लेकिन मौसी कड़े बाज आने वाली थी के कहन लगी भला तने बेटे पैनी ते डगाई ओ पत्ती बनन की ओटली तेरी उतर जा कर डाई ओए चाले करनी खप्पर भरनी तेरे याके मन में आई
ओ इस कजले ने चो कर देते इस कजले ने चो कर देते दे रख्या सगेरा ओ हंस के बेटा कई है माता राम भला कर तेरा ओ आजा पूरने बैठ पलंग पे कया मान ले मेरा ओ मत ना जुल्म करे माताई अच्छा मेरा धर्म छुटवाना चाहो से थे हैं बावले एक बपति बनाना सारी डाल के ठाठ लागी जाएंगे के धर्म में के दरिया हैं के दरिया धर्म ने अच्छा कति नहीं मानती धर्म कर्म ने के दरिया बावले बचताओगी पाछे दे पाछा किसने देखा तू बोले आगे न देखे सावा सुनाइए सुन ले ओ पूरण मल तू ओ पूरण मल तू देख लिए मैं लागे रंग लूटी के ओए पूरण मल जय धर्म छोड़ दे पड़े आसमान टूटी के ओ तेरे पिता ने बैठा दे तंदासी शान खुटी के देखे पर ले पारे यो तर जागी माँ ज्ञान की धारे घूट के ओ प्यासी ने तू पानी प्या दे प्यासी ने तू पानी प्या दे के बिगड़ सतेरा हो वो है पानी प्यावेगा जो लाया बांध कैसे रा पूर्ण मल बैठ पलंग पे कया मान ले मेरा हो मत ना जुल्म करे मतारी मैं बालक सूं और एक बात और बताऊं उसी वाह और बता दे कि ये बात तेरे मुंह से सजती नहीं खेलती नहीं ये बात तन्ने लागे मन ने बेरा ने बात खेलन है ना खेलती अच्छा हां तेरे कह दे कुछ सारा लागे है ना मन ने तो बेरा ही कोने कहेगा सुन बात हां क्यों काम का दाग दे रहा है ओ तेरे पिता के संग पूरण मिल मृजो नहीं मिलती ओए जुड़सी कहरी बात तू माता ना तेरे मुंह ते खेलती ओ काम देव की जाल उठ री ना मेरे त जलती देखे मैं बेटा तू माता से करण लागरी गलती जो मेरी बात ने ना मान्यते मेरी बात ने ना मान्यते दिखा गोर अंधेरा हो तेरी बात में ना आऊं चाहे शीश तरा दे मेरा आखिर में
के क्या भला गिरवा वैसे ओ तेरी का प्रेम मने दिन रात सत्ता वैसे या दुनिया के कहे कि तू बेटे ने पति बना वैसे ओ पूरण मलले मान मेरी हो पूरण मलले मान मेरी तेरे पाम ओढ़ना गेरा हो कह दीप चंद इस पूरण मल ने ना इश्क करण का बेरा आजा पूरण